तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस सैलेड कोल्सलॉ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कोल्सलॉ मतलब कैबेज का सैलेड, यानी पत्ता गोभी का सैलेड। आप इसे साइड डिश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे सैंडविच, टाकोज या रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। कोल्सलॉ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पत्ता गोभी, यहाँ और बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लेंगे। यहाँ मैंने ग्रीन कैबेज इस्तेमाल किया, आप चाहें तो पर्पल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे एक कप लिया है। जूलियन में कटी हुई गाजर लेंगे 3/4 कप। कैप्सिकम लेंगे 1 टेबल स्पून, उसे भी इस तरह से मैंने लंबे टुकड़ों में काटा है। ग्रेट की हुई प्याज लेंगे 1 टेबल स्पून। बहुत बारीक काट सकते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करें, मोटा मोटा नहीं काटना है, मुंह में आएगा तो बुरा लगेगा। सिर्फ इसका फ्लेवर के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ इसे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। मेयोनीज लेंगे 1/2 कप। दूध लेंगे 2 टेबल स्पून। मस्टर्ड पेस्ट लेंगे 1/2 टीस्पून, या आप इसके जगह पे मस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर है तो ज़रूर यूज़ करें, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, आधा नींबू लेंगे और 1 टीस्पून चीनी लेंगे। एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें कैबेज को डालेंगे। हाथों से थोड़ा इस तरह से कर दूंगी कि सारे लेयर अलग अलग हो जाएं। गाजर डालेंगे, कैप्सिकम और प्याज डालेंगे। मेयोनीज डालेंगे, दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे। नींबू डालेंगे, चीनी, नमक और काली मिर्च डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोल्सलो तैयार है। थोड़ी सी हरी प्याज से गार्निश करके इसे सर्व करें। इस कोल्सलो को आप सैंडविच, टाकोज और रोल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।